विदिशा पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी के एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को करीब 150 सीटें देने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 5 साल पहले आपने कांग्रेस की सरकार चुनी थी, लेकिन मोदी, शिवराज सिंह, अमित शाह ने एमएलएज को खरीद कर आपकी चुनी हुई सरकार चोरी कर ली है। 5 साल पहले आप सब ने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी, बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी आपने। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया था, सही? और फिर बीजेपी के नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने, शिवराज चौहान जी ने, अमित शाह जी ने मिलकर एमएलएस को खरीद कर आपकी सरकार, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को चोरी किया। करोड़ों रुपए देकर कांग्रेस पार्टी के एमएलएस को खरीद कर सौदा करके जो आपका निर्णय था, जो आपकी दिल की आवाज थी, उसको बीजेपी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने कुचलने का काम किया, आपके साथ धोखा किया। किसके साथ? मध्य प्रदेश के अरबपतियों को धोखा नहीं दिया, किसानों को धोखा दिया, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को धोखा दिया। हम आपकी सरकार चलाना चाहते थे, हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, 27 लाख किसानों का कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया था।